हमको हो गया 10 साल। 10 साल हो गया, लग रहा है मिलेगा अब। अब उन्हें जानते ना हम, हमको तो कोई कहियो दुनिया छोड़ कर चल रही है, चल हमको घरों पर पति मर गया, हमको कोई सहारा नहीं है, हमको देता तो खाता कुछ कुछ, कुछ दिन जीता, और ना देता तो मर जाएगा खाला बगैर, तो जो लिया पैसा तक पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना कितना देख सकते हैं कितना है जैसे हमारा कौन मिलता है अपने बनिहारी खुंटी के बहन बनिहारी 10-70 रुपया मिलता है, कितना दिन कमाया था हम 10 साल हुआ। अब कितना जमा किए थे? 30,000। 30,000 हाँ रुपये जोड़ के जमा किए। हाँ हाँ बनिहारी का के खुंटी के जमा खुंटी के बन का के बन का। आप देख रहे हैं मानसून चल रहा है, जिस तरह कोई सत्र चलता है तो पटना के गर्दनी बाग में अपनी अपनी मांगों को लेकर लोग पहुंच जाते हैं। इसी में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे महिलाएं पहुंचे हैं, कुछ इधर महिलाएं कुछ बात करते हैं। कहाँ से आए? कहाँ से? मीरापुर से। कहाँ के लिए आए हुए हैं? पैसा के लिए। कौन सी का पैसा? सारा इंडिया के। कितना जमा किए थे? 1,00,000। लेकर भाग गया? हाँ तो अब लेकर भाग गया कि कहाँ है कहाँ मुझे की जा रही है। हाँ अरे 1,00,000 जमा कर ले। दिन हुआ जमा किए हुए? हैं कितना दिन जमा किए हुए? 6 साल हो गए जमा किए हुए। 6 साल 6 साल हो गया है। 8 साल हो गए, 8-9 साल। हाँ पैसा भी नहीं मिला ना। एक और देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी है। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरपुर से। क्या के लिए आए हैं? पैसा लागे। कौन चीज का पैसा? सारा इंडिया। सारा इंडिया? कितना जमा किए थे? कितना जमा किए थे? 30,000। 30,000 कहाँ से लोगे जमा किए हुए? साल तो हो गए 10 बरस। 10 बरस हो गए अपने के जो खत्म हो गए पैसा मिली? अब मिलता है कि ना मिलता है अब मरबो कर भाई। हाँ देख सकते हैं। हाँ बोलिए। अब का की बोलू हो गए ये नहाता बाबू सारिये पैसा दिवा देंगे ये ने। आप एजेंट हैं? कितने अभी क्या पिछले दिन भी आप लोग सारा इंडिया का जो कार्यालय है उसको घेराव किए थे, क्या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आया? नहीं अभी तक नहीं आया जी, अभी तक नहीं आया। अब बहुत लोगों का पैसा जमा है उसमें लेकिन अभी तक ले कोई सुनवाई नहीं हुआ है, और किसी का बेटी की शादी है, किसी का घर बनाना है, किसी का बच्चा बीमार पड़ा हुआ है, लेकिन आज तक कितनों अभी हम लोग कहते रह गए लेकिन पैसा बोला कि अब मिलेगा लेकिन मिला नहीं है। यहाँ के इंचार्ज जो मैनेजर है उनको गिरफ्तारी के लिए भी आप लोग मांग किए थे, क्या उनका गिरफ्तारी हुआ अभी तक? जी गिरफ्तारी मांग की लेकिन गिरफ्तारी उसका अभी नहीं हुआ जी, अभी नहीं गिरफ्तारी हुआ है। बहुत लोग जैसे कि पैसा लगे जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि ये जान मार देंगे तो घर जोत लेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, बहुत सारी बात हम लोग करा है लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्या लग रहा है सरकार से कुछ ऐसा है? ये सरकार पर हम लोग तो लगे हुए हैं कि हम लोग का पैसा जल्द से जल्द दिलवा दें, हम लोग लगे हुए हैं कि अब देखिए क्या करते हैं सरकार आगे। आप देख सकते हैं कि सहारा इंडिया में लोग अपनी अरमान को पूरा करने के लिए पैसा डालते हैं, सेविंग करते हैं कि मेरा पैसा उसमें बढ़ेगा और हमको इससे जितना जमा कर रहे हैं उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका एज अब एक्सपायर भी होने वाला है, कब टपक सकते हैं तो पता नहीं है। कैसा लोगे आपको सहारा में पैसे जमा किए हुए? हमको हो गया 10 साल। 10 साल हो गया? हाँ। लग रहा है मिलेगा अब? अब उन्हें जानते ना हम, हमको तो कोई कहियो दुनिया छोड़ कर चल रही है, चल हमको घरों पर पति मर गया, हमको कोई सहारा नहीं है, हमको देता तो खाता कुछ कुछ दिन जीता, और ना देता तो मर जाएगा खाला बगैर, तो जो लिया पैसा तक पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि इसमें कितना कितना देख सकते हैं कितना है जैसे हमारा कौन मिलता है अपने बनिहारी खुंटी के बहन बनिहारी 10-70 रुपया मिलता है, कितना दिन कमाया था हम 10 साल हुआ। अब कितना जमा किए थे? 30,000। 30,000 हाँ रुपये जोड़ के जमा किए? हाँ हाँ बनिहारी के खुरपी के खुरपी के बन के खुरपी के। आप देख सकते हैं कि इनका एज क्या होगा, 70 रुपये रोज कमा के मजदूरी करके और अपना पैसा सहारा इंडिया में जमा किए थे, और क्या हुआ वहाँ से पैसा लेकर भाग गया घटाना हुआ। जमा करने वाला ही आदमी जानता है कि कितना सिर पर टोकरी उठा करके खेत में मजदूरा करके रोड पर। इसके पहले पेमेंट कट 42 साल होने जा रहा है, 12 साल से इसका नियत एकदम चोर हो गया कि सारा पैसा लेके हड़पने का पूरा, और सबको तड़पा रख रहा है पैसा भी ना। मेरा पर्सनल 2,00,000 रुपया है, हम करता भी अपना खुद है और एजेंट लोग को करवाया 6,00,000।
हम इसमें लगे हुए हैं 2000 से, 22 साल होने जा रहा है। रिकवरी कितना हुआ है आपको? रिकवरी कहाँ हुआ, री इन्वेस्ट हो गया, जो भी कागज मेच्योरिटी पूर्ता है कागज, हाँ री इन्वेस्ट, सहमति के, हाँ नहीं फिर आधार लेके या दूसरा कागज में, आधार ले लिया आपसे, सहमति लिए गए था, हाँ सहमति तो हो गया था कि भाई अगला पेमेंट को होगा 3 साल के लिए, फिर री इन्वेस्ट हुआ था उसमें आपको सहमति लिया गया था, लिया गया था हाँ, तो हम लोग को क्या लग रहा था कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ब्याज संहिता देगा बस यही तो। आशा देखे थे कि हम लोग री इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा पैसा होगा, हाँ, हाँ, ज्यादा पैसा होगा, अभी भी तो अभी उम्मीद पर है आदमी, इतना नहीं लगता रह गया होगा कि अब इसका नियत इतना बदलते चला जाएगा घर बनाने के लिए, कि इसमें ज्यादातर गरीब फैमिली का है सारा समय में पैसा है, ज्यादातर जो भी है इसे में जो भी पैसे वाले उनका नहीं है, गरीब फैमिली का है। आप देख सकते हैं कि कितना एज हो रहा होगा और एज भी खत्म होने वाला है, मजदूरी कर कर के जमा किए हुए हैं और क्या हुआ पैसा लेकर भाग गया सारा समय, सारा इंडिया वाला। देखिए सरकार कब तक इन पर कार्रवाई करती है देखने वाली बात होती है। फिलहाल खबर में इतना ही।